मेरी एक सब्सक्राइबर है और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि स्टीयर क्लियर ऑफ क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। स्टीयर क्लियर ऑफ समथिंग या समवन का मतलब होता है कीप अवे फ्रॉम समथिंग या समवन, यानी किसी चीज से दूर रहना या किसी चीज से बचना। यानी आप कीप अवे की जगह पर फ्रेंच वर्ड्स स्टीयर क्लियर ऑफ का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, आइए इन सभी बातों को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। आपको नशा से दूर रहना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ स्मोकिंग, यानी यू शुड कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग, यानी आपको नशा से दूर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कीप अवे फ्रॉम की जगह पर मैंने बोला स्टीयर क्लियर ऑफ, तो चाहे आप कहें कीप अवे फ्रॉम या स्टीयर क्लियर ऑफ, दोनों का मतलब वही है, आपको उस लड़के से दूर रहना चाहिए। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ दैट बॉय। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं यू शुड कीप अवे फ्रॉम दैट बॉय, यानी आपको उस लड़के से दूर रहना चाहिए, आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ दीज थिंग्स। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं यू शुड कीप अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, यानी आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए या बचे रहना चाहिए, आपको इस मामले से दूर रहना चाहिए। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ दिस मैटर। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं यू शुड कीप अवे फ्रॉम दिस मैटर, यानी आपको इस मामले से दूर रहना चाहिए, आपको भड़काऊ भाषण से दूर रहना चाहिए। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ प्रोवोकेटिव स्पीच, यानी आपको भड़काऊ भाषण से दूर रहना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को कीप अवे फ्रॉम से भी बोल सकते हैं, जैसे यू शुड कीप अवे फ्रॉम प्रोवोकेटिव स्पीच, यानी आपको भड़काऊ भाषण से दूर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को शानदार तरीके से समझा। स्टीयर क्लियर ऑफ या कीप अवे फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से या किसी इंसान से दूर रहना या बचे रहना। फ्रेंड्स अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।